नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी और आप सभी लाइव हो चुके हैं वायरल हराना के साथ। आपको जो है लाइव स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हम इस टाइम मौजूद हैं श्री महादेव गौशाला अहर के अंदर, पानीपत के गांव के अंदर, अहर के अंदर, जहां पर जो है एक ऐसा मामला सामने आया है। जी हां, दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। अगर आप सोचिए कि अगर एक किसान से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांग ली जाए, जी हाँ फिरौती मांग ली जाए, तो कैसा उसका रिएक्शन होगा। जैसे आपका मेरा है कि 1 करोड़ की फिरौती, जी हाँ यहाँ पर जो है मैं आपको एक जो है यहाँ का पानीपत के अहर गांव का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें जो है विदेश से उनको कॉल आते हैं और उनसे जो है 1 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है। जी हाँ, बलवान शर्मा जो है हमारे साथ मौजूद है। मैं आपको दिखाऊँ, इस टाइम गौशाला में हम मौजूद हैं और लगातार हमने जो है ये बीजेपी के जो है कार्यकर्ता भी हैं, जी हाँ कार्यकर्ता भी हैं, और लगातार जैसे हम इस गांव में पहुंचे और हमने जो है लोगों से बात की कि बलवान शर्मा जो है उनका घर कहां पर है, तो लोगों ने जो है उनकी तारीफों के फूल बांधे कि वो जो है एक समाज सेवी है। और लगातार गांव के जो है बच्चे जो है उनको जानते थे कि वो बहुत बड़े समाज सेवी हैं। और मैं आपको अगर दिखाऊं गौशाला की एक बार लाइव तस्वीरें दिखाऊं तो देख पा रहे हैं ये गौशाला है जिसमें जो है वो दिन रात जो है गौ माता की सेवा में जो है अपना पूरा जीवन जो है यापन कर रहे हैं। जी हाँ, अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी जहां पर जो है बताया जा रहा है कि अभी हम गांव में मौजूद हुए तो आसपास के लोगों के द्वारा भी यही बताया गया कि वो पूरे टाइम जो है गौ सेवा करते रहते हैं, अपना पूर्णतः योगदान जो है, अपना जीवन जो है यापन जो है वो गौ सेवा में कर रहे हैं। वैसे भी जो है गौ सेवा जो है मानी जाती है कि भगवान की सेवा करना। जी हाँ, हमारे जो है 36 करोड़ देवी देवता जो है गौ माता के अंदर बसते हैं और गौ सेवा का आप सभी जानते हैं कि कितना ज्यादा महत्व है। अगर मैं दिखाऊं तो ये आसपास के जो है उनके गांव के ही लोग हैं जिनके बाद जिनसे जो है 1 करोड़ फिरौती मांगी गई है, उनसे भी जो है हम आपको जो है सीधी बातचीत करवाएंगे। गांव के यहां पर लोग मौजूद है, पहले इनसे जानेंगे जो आपके गांव में से जो बताया जा रहा है गौ सेवा करते हैं उनसे 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। हाँ जी, ऐसा सुनने में आया है और कॉल भी आई है इनके पास है जी के या तो 1 करोड़ की फोटो नहीं तो हम ऐसे कर देंगे, मार देंगे, फलानी कर देंगे। अच्छा, मारने की भी धमकी आई है? हाँ जी, मारने की धमकी आई है। तो लगता है 1 करोड़ है इनके पास जो पूरे दिन गौ सेवा में लीन है। ये सारा दिन तो काम पर लग रहे थे, इनके पास 1 करोड़ कहाँ से मिलेंगे जी? जी ये सेवा तो करते रहे सारा दिन जी, अपने गांव का धंधा करते हैं यहाँ और क्या करते हैं जी। देखिए हमारे साथ जो है बुजुर्ग माता जी भी मौजूद है, आप उनकी माता है? हाँ जी। तो आपके बेटे से जो है 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई है, उसको खुद भी नहीं पता होगा जीरो कितने होते हैं उसके अंदर? नहीं बेटे, एक पैसा भी नहीं हमारे पास, उन्होंने कह दिया था पर वो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं उसकी बात, जी ने कहा यह बात कि भाई मेरे तक 1 करोड़ रुपये पचा दी भी 2 घंटे का समय तेरे पास। अच्छा, कब आई थी? 4 दिन हो गया आज। अच्छा, और उसने कहा फिर भाई अक नहीं मेरे पे तो 1 रुपया भी नहीं, मैं कहाँ से दे सकूँ, मैं तो उरा गऊ के सेवा करूँ रह रहूँ। फिर उसने कहा कह तो तने मार देंगे, नहीं तेरे पोते ने मार देंगे। या अच्छा, मारने की भी धमकी हाँ, दी गई? यह बात कही। तो उनसे जो है मैं आपको सीधी बातचीत करवाऊंगी। बलवान शर्मा जी, मैं दिखाऊं कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है 140 जी हाँ गौ माता हैं जिनका जो है बलवान शर्मा जी जो है काफ़ी पालन पोषण करते हैं। अच्छे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख पा रहे होंगे कितनी सफाई भी जो है यहाँ पर गौशाला में रखी गई है और पूरा दिन जो यहाँ पर गाँव वालों के द्वारा बताया गया और इनके परिजनों के द्वारा कि सारा टाइम जो है ये यहाँ पर लीन रहते हैं। और 1 करोड़ रुपये जी हाँ बताया जा रहा है कि गैंगस्टर की तरफ से जो है बोला कि मैं गैंगस्टर हूँ और मेरे को 2 घंटे के अंदर जो है 1 करोड़ रुपए चाहिए। आप देख पा रहे हैं, अगर मैं आपको लाइव तस्वीरों में दिखाऊं आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, देख पा रहे हैं इस टाइम जो है ये दूध निकाल रहे हैं गौ माता का और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो है, जी हाँ किस तरीके से साधारण वस्त्र और यहाँ पर जो है गौ माता का जो है यहाँ पर ये दूध निकाल रहे हैं, इनसे ही जो है जी हाँ 1 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई है इनसे। जी हाँ, फिरौती मांगी गई है इससे, इनसे सीधी बातचीत करेंगे। इधर आ जाइए सर एक बारी। आप यहाँ पर गौ माता की सेवा कर रहे हैं, वहाँ आपसे 1 करोड़ की फिरौती मांगी जा रही है? बेटी गलत चैनल पकड़ गया कोई जी। हाँ, गलत जने के पास फोन लग गया गलती हाँ, से गलती से लाए के मेरे साथ। किसके द्वारा कहा गया, क्या नाम बताया उसने अपना? उसने अपना नाम बताया मीपा जी, और उसके साथ साथ वो बार बार क्या कह रहा था, वो कह रहा था भाई मैं वो बोलू हूँ, मैं जानू नहीं था कौन है, मैं वो बोलू हूँ जिसने मनोहर लाल खट्टर था धमकी दी थी। अच्छा, मुख्यमंत्री हरियाणा, मुख्यमंत्री जो धमकी दी थी मैं वो बोलू हूँ, और हरियाणा की जेल तोड़ के भाज आया हूँ मैं। अच्छा, गैंगस्टर हूँ
और बहुत बड़ा बदमाश हूँ फलान हूँ, मतलब अपनी तारीफ कर रहा था कि मैं ये हूँ अगर बहुत बड़ा। फिर क्या बोला उसने, मतलब कॉल आई थी तो पहली बार क्या बातचीत हुई थी आपकी? पहली बार तो भिड़ते हुए कहने लगा भाई 1 करोड़ रुपये चाहिए, 2 घंटे हम चाहिए। आपने पूछा नहीं 1 करोड़ में कितनी जीरो होती है? उसने नहीं पता था, नहीं पता था, करोड़ कह दिया उसने तो जी। तो फिर उसके बाद क्या बातचीत हुई? आपने बोला कि कौन बोल रहा भाई? मैं तो तू बोला हो रहा था तो जी। मैं सारा दिन सुबह मैं 5 बजे उठूँ जी, 5 तभी पहले मैं उठ लूँ मैं, और रात में 10 बजे सोऊँ जी। मैं गऊँ तक अकड़ी लिकड़ता एक और इना कड़ी जानता बताइए, 1 करोड़ रुपये कड़े तो लियाऊँगा मैं जी, न्यार तो मांग के लिया इन खातर जी, 1 करोड़ रुपये मांगा बेकूफ आदमी। मैं आधार कार्ड डूँ के बरा के तो मैं इन मैं सारा दिन हाथ फिरता रहूँ और कुछ नहीं करता। ये तो कोई घना गैंगस्टर बन जाए नहीं, थोड़े नोड़े जाए मार देंगे, ऐसी ताकत हो इनमें। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। परमात्मा का रूप। हाँ बिल्कुल, इनमें इनके भरोसा है मेरा सारा जो जिंदगी है नी, इनके भरोसा है। मारे को नहीं सकता कोई, मैंने किसी भी मिलते को नहीं तो कोई मन मार देगा। देखिए आप बता रहे हैं मुख्यमंत्री को बताया जा रहा है कि उन्होंने पहले लिखा, आप भी बीजेपी के हैं, तो क्या वो बीजेपी को ही टारगेट कर रहे हैं? अब के पता भी किसने कर रहे हैं? नहीं पता कुछ भी। नो तो कॉल कहाँ से आ रहे थे? अमेरिका से। अमेरिका से आ रहे थे? हाँ। नंबर वैसा था या आपको पता चल गया? नहीं पहले उसका छोटा नंबर था, वो पता नहीं चला, मैंने फिर उन्होंने अपने आप बताया मैं अमेरिका से बोलूँ हूँ। अच्छा। फिर मैंने देखा नंबर अमेरिका का। कभी ये तो नहीं कोई शराबी शुरूबी ऐसे ही मिला दिया किसी ने? नशे में तो शायद होगा। हाँ नशे में। तो कितनी बार कॉल आया आपके पास? 50 बार। 50 बार कितने दिन में? 3 दिन में 22, 23, 24। इतना तो कभी माँ ने भी नहीं किया होगा कि बेटा ठीक है या नहीं, जितना उसने कर दिया। दार दार। तो फिर क्या मतलब आपने पुलिस कंप्लेन वगैरह कराई? हाँ करवा दी। तो फिर क्या निकल कर अभी तक सामने आया? नंबर ट्रेस वगैरह किया गया? रात करवाई थी जी, प्रशासन पे मैंने पूरा भरोसा है, कोई दिक्कत को नहीं खड़ी गिराऊंगी। खुद का प्रशासन आपका तो भरोसा है, मैंने तो कुदरती भरोसा है मेरे, सब ने पता है ये शरीफ आदमी है, ये गौ माता का ये सेवा करा है, सब ने पता है इस बात का जी। और कुछ मैं करता है को नहीं। क्या लगता है कोई आपसी रंजिश की? ना कोई रंजिश नहीं, मेरी किसी के साथ कोई रंजिश नहीं है, नहीं अभी तक कोई। समाज सेवी हैं आप? बस ये तो हमें तभी पता चल गया था जब हमने गांव में एंट्री की, सब बोल रहे थे समाज सेवी हैं, वो तो बहुत बड़ा नाम है। सेवा सेवा करने का काम मेरा और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है ना। तो अब उनको क्या कहना चाहेंगे जिसने 1 करोड़ रुपए मांगे? बताया जा रहा धमकी भी दी गई है आपको? धमकी है, 1 करोड़ तो ना देगा तो फिर सारे कुटुंबे मार दूंगा, धमकी तो होगी और क्या। अच्छा ये धमकी दी है उसने? और कब दी थी, कितने टाइम तक? 22 तारीख ने दी, 23 ने दी, 24 ने फिर उस पर दे रखी है। रिकॉर्डिंग वगैरह? रिकॉर्डिंग हाँ सब रिकॉर्डिंग है। है रिकॉर्डिंग? हाँ। तो कहाँ पर है रिकॉर्डिंग? मेरे फोन में है, दिखाना। दिखाई दूंगा। हम आपको जो है रिकॉर्डिंग भी सुनवाएंगे जिसमें जो है वो गैंगस्टर अपने आप को बताता है, और 1 करोड़ रुपए, जी हाँ 1 करोड़ रुपए जो है इनसे फिरौती मांगी जाती है। जी हाँ फिरौती मांगी जाती है इनके पास। अगर मैं मोबाइल दिखाऊं, 1 करोड़ मांग रहा है, और नॉर्मल सा जो है 10-12 हज़ार रुपये का इनका मोबाइल है, और अगर देख पा रहे हैं 1 करोड़ रुपये, और लगातार जो है 50 बार, जी हाँ लगातार 50 से 55 बार जो है इनके पास 3 दिन के अंदर जो है कॉल आई हुई है, और बताया जा रहा है कि अमेरिका का नंबर है। जी हाँ अमेरिका का नंबर है। पीछे मांगे तुम कदे प्रशासन का सहारा, कदे तुम पंचायत, कदे तुम कड़िया, कदे तुम कड़िया, इन बातों का हो जाएगा कुछ है? जे मैं करने पै गए बात है तेरी कुड़ा नहीं करती मां, ठीक है? तेन भी मेरा मिप्पा बोला, खड़तल कहू मिप्पा बोलू, ठीक है? कदे तू किसे का नाम लेवा, कदे तू किसे का नाम लेवा, मैं ना जानता किसे ने भी, ना तो मैं जिंदर ना जानता, ना मैं नंदू ना जानता, ठीक है? कौन है, कौन ना है, और कौन रणदीप है मेरा, और उन्हें भी मरवाओ। शर्मा जी। हेलो शर्मा जी। हाँ जी। पीछे देने पड़ेंगे जब कुछ कर तू, तू बड़ा कर जेड़े ना करवा देगा, तेरा गोली मार दूंगा, उजाड़ दूंगा तेना,
तो देखा आपने लाइव तस्वीरों में, चाहे कॉल नंबर अमेरिका का हो लेकिन है वो हरियाणा का, आपको लैंग्वेज से ही जो इनकी पता चल गया होगा। आपने पंचायतें भी की हैं जैसे इन्होंने बोला? ना जी, कोई पंचायतें नहीं की। लगता है कि कोई आपका जानकारी हो सकता है, जिस प्रकार जो है ये आपसे बातचीत कर रहे हैं, लग ये रहा तो प्रशासन देखेगा ये क्या है जी, कोई शक दे दी मैंने रिकॉर्डिंग जी, ये अपने आप मेरा पड़ जाए भाई। आपने सेफ्टी नहीं मांगी कि क्या पता, देखो ऐसे ही लग रहा है कि ड्रिंक वगैरह भी करी रखी है, क्या पता कुछ कर भी दे? ना सेफ्टी नहीं मांगी, नहीं वो प्रशासन देखेगा वो के है, मतलब मना के बेरा यू के है, मतलब प्रशासन पे ही भरोसा है। बस 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 प्रशासन। देखा आपने लाइव तस्वीरों में कि इन्हीं से जो है 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जाती है, गौ सेवा में ये लीन है, पूरा जीवन अपना गौ सेवा में ही यापन कर रहे हैं। मैं इनसे नहीं कह रही कि हमने इनको देखा है, हमने गांव वालों से भी पहले बातचीत की है तो उनका भी जो है सीधी तौर पर यही कहना है। जी हाँ, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और लगातार जो वैसे धमकी दे रहा है कि मैंने मनोहर लाल खट्टर को भी धमकी दी, अब आपको भी दे रहा हूँ, मान जाओ, जो भी है इसकी प्रशासन भी जो है इसकी जाँच जरूर करे, क्योंकि आपको ये कि आजकल के जो युवा है ज्यादातर जो है नशों की तरफ ज्यादा जा रहे हैं और उनको उस टाइम नहीं पता होता कि क्या कर बैठे। तो प्रशासन से भी यही अपील कि इन जो है मामले की जो है जांच की जाए, और आपसे भी यही अपील कि आप इस खबर को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, मनोहर लाल खट्टर तक ये खबर जरूर पहुंचाएं कि जिन्होंने उनको धमकी दी थी आज उन्हीं के कार्यकर्ता को जो है दोबारा से धमकी दी जा रही है। तो आपसे यही अपील, खबर को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।